हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतली लाइव एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर LLB के कोर्स के बारे में कि क्या ये बंद हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जो है जारी हुई है। ठीक है, PIL में बहुत सारे ऐसे वैलिड रीजन बता दिए गए हैं जिसके थ्रू जो है 5 ईयर LLB कोर्स के लिए रोक की मांग की गई है। ठीक है, तो पूरा मामला क्या है, 5 ईयर LLB कोर्स है जो कि बंद होगा नहीं होगा, जिन लोगों ने अभी तक 5 ईयर LLB कोर्स किया है उनका क्या होगा, ठीक है 3 ईयर LLB पे भी कोई असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स आज इस वीडियो के थ्रू आपको दी जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी सारी लीगल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जारी हुई है जिसमें मांग की गई है कि 5 ईयर LLB कोर्स है जो कि बंद कर देना चाहिए। 5 ईयर LLB जो है 12th के बाद होता है। ठीक है, अगर हम एक जनरल डिटेल्स देखें, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th अभी पास भी किए हैं, ठीक है, जिनको 5 ईयर LLB में एडमिशन भी लेना है तो उनका क्या होगा। तो ये बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है, और एक लीगल नॉलेज भी है। तो देखो, जैसे ही 12th पास होती है तो उसके बाद BA LLB, BSc LLB, ठीक है, BTech LLB, बहुत सारे कोर्सेज के साथ, मतलब कॉलेज के साथ ही LLB कोर्स करवाया जाता है जिसमें आपकी 5 ईयर LLB होती है। 10 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लॉ और साथ ही में आपके BA BSc उनके सब्जेक्ट्स भी ऐड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 10 सेमेस्टर के बाद मतलब 5 ईयर LLB जो आपकी कंप्लीट होती है। यही बात अगर हम 3 ईयर LLB की करें तो उसमें क्या होता है, या तो एनुअली एग्जाम होगा या फिर सेमेस्टर वाइज भी होगा, तो उसमें 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओनली लॉ के सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई मतलब कॉलेज का ऐड नहीं रहता। ठीक है, उसमें जो भी आपके लॉ के जो सब्जेक्ट्स काम आने वाले हैं आगे, वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो PIL जारी हुई है वो हुई है 5 ईयर LLB के कोर्स के लिए। अब देखो, उस PIL में क्या वैलिड रीजन दिए, 3 ईयर LLB किस तरीके से 5 ईयर LLB में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो वो देखो। देखो, ये जो PIL में केस का नेम है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनुदर, 2024 की सुप्रीम कोर्ट की ये PIL है। ठीक है, अब जो 5 ईयर LLB कोर्स होता है इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये वैलिड रीजन रखे गए, ठीक है, इस केस के थ्रू, मतलब जो PIL हुई है उसके थ्रू, कि 5 ईयर LLB ठीक है जो कि आप करवा रहे हो, ठीक है, पर इसमें 10 सेमेस्टर है वो एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम है। ठीक है, सेकेंडली ये भी बताया कि जो लेंथी टाइम है उसमें क्या है कि 10 सेमेस्टर भी दे दिया आपने, ठीक है, और लो तो हम 3 ईयर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ये इतना इसमें 10 सेमेस्टर में क्या मतलब ऐसा इतना लो जो दे रहे हो, ठीक है, वो 3 ईयर LLB में भी दे सकते हो। ठीक है, साथ ही में इसमें देखो, PIL बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर 3 ईयर लॉ कोर्स राइट आफ्टर स्कूल, ठीक है, इसमें क्या क्या बताया वैलिड रीजन, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ठीक है, इसमें बताया फर्स्ट तो आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 14 और 21 इसका जो है वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, इसका क्या है वॉयलेशन हो रहा है जब आप 5 ईयर LLB कोर्स करवा रहे हो, यहाँ पे कोई इक्वलिटी राइट नहीं है। ठीक है, इक्वलिटी राइट जो है पूरा दिया ही नहीं गया क्योंकि 5 ईयर LLB में आप 10 सेमेस्टर दे रहे हो, 3 ईयर LLB में 6 सेमेस्टर दे रहे हो, लो वही सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लेंथी टाइम है। सेकेंड चीज क्या बताई गई कि वही सेमेस्टर की कि 6 सेमेस्टर में भी जो है आप ये 5 ईयर LLB करवा सकते हो। ठीक है, मतलब 5 ईयर LLB ना होके 12th के बाद ही सीधा 3 ईयर LLB में एडमिशन ले सके, इसकी आप परमिशन दो। जैसे ही आपने 12th कंप्लीट की, ठीक है, जस्ट बाद आप 3 ईयर LLB में एनरोल कर सको। ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है परमिशन मांगी गई है। ठीक है, सेकेंड देखो इसमें क्या है एज कि 21 ईयर के जो है परमिशन मिलनी चाहिए एज को कि भाई इतना तो हो एटलीस्ट। ठीक है, फिर है कि आफ्टर 12th, ठीक है, 12th के जैसे ही जस्ट बाद 5 ईयर LLB जो भी स्टूडेंट करते हैं उनको 10 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा 5 साल होता है। ठीक है, अगर यही हम 3 ईयर LLB में
कन्वर्ट करके सिक्स सेमेस्टर, वही सेम बात, ठीक है, इस सिक्स सेमेस्टर में कर दे, ठीक है। इसमें भी आप जो है 15 से 20 लो पढ़ाते हो, और यहाँ भी हमारे 27 लो तो आ ही जाते हैं, ठीक है। 27 पेपर होते हैं 3 ईयर एलएलबी में, अगर हम एनुअली देखें, ठीक है, तो यहाँ भी एटलीस्ट 20 लो तो मान ही लो, ठीक है, 20 लोज हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं, और वहाँ भी आप यही पढ़ा रहे हो, पर जो इसका टाइम पीरियड है ये बहुत लेंथी है, और इसका जो है सिक्स सेमेस्टर में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसी कमेटी बिठाओ एक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि बीसीआई को आप बोले कि एक ऐसी कमेटी बिठाए, ठीक है, कि स्पेशल कमेटी जो इसको एनालिसिस करे इस पीरियड को, ठीक है, कि यहाँ भी हम 15 से 20 लॉ पढ़ रहे हैं और यहाँ भी हम इतने ही लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइम इतना लेंथी क्यों है, इसको कम करके आफ्टर 12th, ठीक है, आफ्टर 12th जो है हमें 3 ईयर एलएलबी में एनरोल करने की परमिशन दी जाए, कि 3 ईयर एलएलबी का लॉ कोर्स है जो कि हम कर सके, ठीक है, डायरेक्ट 12th के बाद ही हमें जो है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस एग्जाम लेती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है, तो उस तरीके के एनरोल के लिए हमें परमिशन दी जाए। तो ये जो केस था, ठीक है, मतलब ये जो PIL है ये जारी हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और इसमें एक वैलिड रीजन भी रखे गए हैं कि सही भी बात है अगर देखा जाए, ठीक है, खुद खुद के ओपिनियन से, कि जो आपका अगर हम राय से राय देखें हर किसी की, तो यही आ रही है कि ठीक है 15 से 20 लो हमें 5 साल में भी पढ़ने हैं, और 15 से 20 लो हमें 3 साल में भी पढ़ने हैं, तो 5 साल क्यों, ठीक है, 3 ईयर में भी हमारी एलएलबी कंप्लीट हो सकती है, उसी के बाद हम एग्जाम भी दे सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, प्राइवेट अगर हमें कोई कंपनी ज्वाइन करनी है तो हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारी जॉब भी सिक्योर रहेगी, ठीक है, साथ ही में हमारा क्या है, एक जो करियर का है वो क्या है, करियर डेवलप हो सकेगा टाइमली, 5 साल हम इसमें लगा देते उसके बाद ही हम कोई एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए 3 ईयर एलएलबी में डायरेक्ट हमें एनरोल करना चाहिए, ठीक है। अब ये PIL जारी हुई है, जैसे ही कोई जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई कमेटी बैठती है, तो हम इस वीडियो के थ्रू जो आपको अपडेट्स दिए, आगे भी ऐसी ही ये इससे रिलेटेड भी अपडेट्स और बाकी भी लीगल जो भी अपडेट्स आती रहती है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप इस चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।